अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से मैं हूं उस्मा आरिफ। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीराबाद से पीटीआई लॉन्ग मार्च का दोबारा आगाज़। इमरान खान का कहना है कि आवाम हमारे साथ है, इंतखाबात में दो तिहाई अक्सरियत हमें मिलेगी। इमरान खान पर हमले की फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आ गई, अहम इंकशाफ। अरशद शरीफ पर तशद्दुद की शहादतें, सुप्रीम कोर्ट मुतहरिक किरदार अदा करे। पीटीआई रहनुमाओं की अरशद शरीफ पर तशद्दुद की मजम्मत। फवाद चौधरी का कहना है कि अरशद शरीफ पर तशद्दुद की शहादतें इंतहाई काबिले मजम्मत हैं। सेनेटर आजम स्वाती को अहम ओहदा मिलने का इम्कान। आजम स्वाती को सैनेट में अपोजिशन लीडर बनाए जाने का इम्कान। मुस्तफ़ा नवाज खोकर सैनेट की रुकनियत से मुस्तफ़ी, नोटिफिकेशन जारी। T20 वर्ल्ड कप, भारत को बदतरीन शिकस्त, इंग्लैंड फाइनल में पहुंच गया। भारतीय बॉलर्स मैच में एक भी विकेट हासिल करने में कामयाब ना हो सके। इंग्लैंड ने एक तरफा मुकाबले के बाद 10 विकेटों से हरा दिया। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है जिस कदर आवाम हमारे साथ है, इंशाल्लाह दो तिहाई अक्सरियत हमें मिलेगी। हमारी मकबूलियत को देखते हुए और इसी खौफ से ये लोग इंतखाबात नहीं करा रहे हैं। दीगर अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने वज़ीराबाद से एक बार फिर लॉन्ग मार्च का आगाज़ कर दिया। शुरका से ख़िताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि मार्च की टाइमिंग खुद तय करूंगा क्योंकि मुझे जल्दी नहीं, फ़ौज के साथ खड़ा हूं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से लॉन्ग मार्च का आगाज़ उसी मकाम से किया गया जहां इमरान खान पर कातिलाना हमले की कोशिश की गई थी। कंटेनर पर पार्टी के मरकजी कायदीन जबकि हमले में जख्मी होने वाले सेनेटर फैसल जावेद भी मौजूद थे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान जमान पार्क से ही आज़ादी मार्च की मॉनिटरिंग करेंगे और वीडियो लिंक के जरिए लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब करेंगे। पंजाब पुलिस ने किसी भी नाखुशगवार वाक़े के पेश नज़र लॉन्ग मार्च की सिक्योरिटी इंतहाई सख्त की हुई है, जबकि पीटीआई कायदीन को भी हिदायत की गई है कि वो मरकजी कंटेनर पर सवार करने के लिए चंद लोगों का इंतखाब करें। लॉन्ग मार्च के आगाज पर पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने वीडियो लिंक के जरिए शुरका से खिताब किया। पीटीआई सरबराह ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील की कि वो इस वाक़े पर एक्शन लें क्योंकि कौम की उम्मीदें अब उनसे ही वाबस्ता हैं। जब साबिक वजीर आजम को इंसाफ नहीं मिल रहा और उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही तो आम आदमी को कैसे इंसाफ मिलेगा। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को वापस लाकर यकसा माहौल का तासुर देने की कोशिश की जा रही है। मैं फौज के साथ खड़ा हूँ, फौज मेरी है। ये लोग मुझे फौज के सामने खड़ा करने की कोशिश में हमेशा नाकाम होंगे। अब वाज़ह हो गया कि अरशद शरीफ पर तशद्दुद किया गया। इमरान खान कौन था जिसने अरशद शरीफ पर तशद्दुद किया? किसे इतना गुस्सा था? मुझे मालूम है कि अरशद शरीफ को कत्ल की धमकियां कौन दे रहा था। इमरान खान ने कहा कि अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट वालदा को नहीं मिल रही तो वीडियो टीवी एंकर के पास कहां से आई। इमरान खान मार्च की क़यादत के लिए दो हफ्ते बाद जमान पार्क से ही रावलपिंडी पहुंचेंगे। इमरान खान की मशावरत का सिलसिला जमान पार्क से जारी रहेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर हमले की फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आ गई जिसमें इंकशाफ किया गया है कि हमला आवर एक से ज्यादा थे। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की ज़ेरे सदारत तहरीके इंसाफ के सीनियर कायदीन का जमान पार्क में इजलास हुआ। इजलास में सूबाई मुशीरे दाखला उमर सरफराज चीमा ने वज़ीराबाद हमले के हवाले से इब्तदाई फॉरेंसिक रिपोर्ट पेश कर दी। उमर सरफराज चीमा ने कहा कि इब्तदाई फॉरेंसिक रिपोर्ट में साबित हो गया कि हमला आवर दो से ज्यादा थे और ये बयानियाँ दम तोड़ चुका कि हमला आवर मजहबी जुनूनी था। पीटीआई रहनुमाओं ने शहीद अरशद शरीफ पर कत्ल से पहले तशद्दुद की शदीद मजम्मत करते हुए मुतालबा किया है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर मुतहरिक किरदार अदा करे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
PTI रहनुमाओं ने शहीद अरशद शरीफ पर कत्ल से पहले तशद्दुद की शदीद मुज़म्मत करते हुए मुतालबा किया है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर मुतहरिक किरदार अदा करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि अरशद शरीफ पर तशद्दुद की शहादतें इंतहाई काबिल मुज़म्मत हैं। अपने बयान में उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इन मामलों पर मुतहरिक किरदार अदा करे, एक अमूमी रद्द अमल काफी नहीं होगा। फवाद चौधरी का कहना था कि इमरान खान पर हमला और आजम सवाती पर तशद्दुद की तहकीक भी सुप्रीम कोर्ट पर लाजिम है। PTI रहनुमा ने मजीद कहा कि अरशद शरीफ की शहादत समेत तीनों मामलात की मुकम्मल तहकीक लाजिम है। तीन बड़े वाकयात, इमरान खान के ऊपर कातिलाना हमला हुआ, FIR तक रजिस्टर नहीं हुआ, अरशद शरीफ को शहीद किया गया, उसकी वालदा दर बदर की ठोकरें खा रही है, उसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी गई। आजम सवाती को पहले 75 साल का बुजुर्ग सेनेटर, उसको उठाया गया, उसके ऊपर तशद्दुद किया गया, नंगा करके उसको मारा गया, उसके पोते पोतियों के सामने, चार साल की पोती के सामने उसको थप्पड़ मारे गए, उसको इंसाफ नहीं मिला अभी तक। दूसरी जानिब अरशद शरीफ की अहलिया ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर रद्देअमल देते हुए कहा कि अरशद बहुत शर्म हया वाले थे, इस मुल्क से भी इसलिए गए थे कि उनको बरहना करके करने वाला टॉर्चर कबूल नहीं था। आप सब उनके आज़ा की तस्वीर मत शेयर करें, शहीद और हमें तकलीफ मत दें। वाज़ेह रहे कि निजी टीवी के प्रोग्राम में सीनियर सहाफ़ी ने इंकशाफ किया कि कत्ल से पहले अरशद शरीफ को गाड़ी से उतार कर 3 घंटे तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनकी उंगलियों के नाखून उतारे गए, जबकि तशद्दुद से उनके हाथ की उंगलियां और पसलियां भी तोड़ी गईं, जबकि उन्हें इंतहाई करीब से गोलियां मारी गईं, और ये गलत शनाख्त का नहीं बल्कि मनसूबाबंदी के तहत किया गया कत्ल है। कीनिया में अरशद शरीफ के कत्ल के रोज शूटिंग रेंज पर 10 अमरीकी इंस्ट्रक्टर्स और ट्रेनर्स की मौजूदगी का भी इंकशाफ हुआ है। निजी टीवी प्रोग्राम में बताया गया है कि कीनिया हुक्काम की जानिब से तफ्तीश में भी तावुन नहीं किया गया, जबकि एक प्लान करदा कत्ल को शनाख्त की गलती करार देकर रेंज पर मौजूद अफराद से मुतालिक भी मालूमात फराहम करने से गुरेज किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI ने सेनेट के महाज पर नई हिकमत अमली तैयार कर ली। आजम स्वाती को नया अपोजिशन लीडर बनाने का इम्कान है, जबकि मुस्तफ़ा नवाज खोकर सेनेट की रुकनियत से मुस्तफ़ी हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेनेट के महाज पर नई हिकमत अमली तैयार कर ली। आजम सवाती को नया अपोजिशन लीडर बनाए जाने का इम्कान है, जबकि मुस्तफ़ा नवाज खोकर सेनेट की रुकनियत से मुस्तफ़ी हो गए, जिसके बाद सेनेट सेक्रेटेरिएट ने निश्चित खाली करार दे दी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सेनेट में अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम की जगह आजम सवाती को इस मनसब पर लाने का इम्कान है। हतमी फैसला तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान करेंगे। ज़राए का कहना है कि PTI जल्द इस हवाले से जब्ते की कार्रवाई के लिए चेयरमैन सेनेट को खत लिखेगी। आजम सवाती की जद्दोजहद को देखते हुए उन्हें ये जिम्मेदारी दी जा रही है। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर सेनेट की रुकनियत से मुस्तफ़ी हो गए और अपना इस्तीफ़ा चेयरमैन सेनेट को जमा करा दिया, जिसमें कहा है कि सेनेटर फारूक एच नाइक की हिदायत पर अपना इस्तीफ़ा पेश कर रहा हूँ। इस हवाले से सेनेट सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए नशस्त खाली करार दे दी। मुस्तफ़ा नवाज खोकर 2018 में पीपल्स पार्टी की नशस्त पर सिंध से सेनेटर मुंतखब हुए थे। मुस्तफ़ा नवाज खोकर का कहना था कि सोचा नहीं था कि पार्टी ऐसे सपोर्ट करेगी, लोग मेरे सियासी मुस्तकबिल के बारे में कयास आरायाँ कर रहे हैं। मैं वाज़ेह तौर पर बता दूं कि मैं किसी सियासी जमात में शामिल नहीं हो रहा, मैं अपनी आज़ादी को बरकरार रखने की भरपूर कोशिश करूंगा। T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने भारत को एकतरफा मुकाबले के बाद 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। तफसीलात जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने भारत को एकतरफा मुकाबले के बाद 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। एडिलेड में खेले गए मैच में इंग्लिश कप्तान जूस बिटलर ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था। पहले बैटिंग करते हुए भारतीय टीम मुकर्रा 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 159 रन बना सकी थी। हदफ के ताकों में इंग्लिश ओपनर्स ने जारहाना खेल का मुजाहरा किया। ओपनर एलेक्स हेल्स और कप्तान जॉस बटलर ने 170 रन का आगाज फराहम किया। दोनों ने बिल तरतीब 86 और 80 रन की इनिंग्स खेली। एलेक्स हेल्स ने 47 गेंदों पर 7 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 86, जबकि जॉस बटलर ने 49 गेंदों पर 3 छक्कों और 9 चौकों की मदद से 80 रन बनाए। भारतीय बॉलर्स मैच में एक भी विकेट हासिल करने में कामयाब ना हो सके। कबल अजी भारत ने पहले खेलते हुए इंग्लैंड को 169 रन का हदफ दिया था। कप्तान रोहित शर्मा 27, KL राहुल 5, सूर्या कुमार यादव 14 रन बनाकर पेविलियन लौटे थे।
जबकि विराट कोहली ने जिम्मेदाराना खेल का मुजाहरा करते हुए 50 और हार्दिक पांड्या ने जारहाना खेल पेश करते हुए 52 रन की इनिंग्स खेली थी। इंग्लैंड की जानिब से क्रिस वोक्स, आदिल राशिद और क्रिस जॉर्डन ने एक एक विकेट हासिल कर सके थे। कमल अजी T20 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 7 विकेटों से शिकस्त देकर इवेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।